एकदम से बारिश इतनी तेज आ गई ना। तो उसको भी सब कह रहे हैं कि ये भी प्रैंक है, ये भी प्रैंक है, क्या बच्चा गिरवाने गए हो, ये है वो है, चक्कर आ रहे हैं, सांस नहीं आ रही ढंग से, और दुआ करना वो जल्दी से ठीक हो जाए। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका हमारे नई वीडियो में। आपका क्या कर सुशील नितिन वोट्स आ चुका है एक नई वीडियो को लेके। तो सुबह सुबह नूरा का खाना खत्म हो चुका था, तो नूरा का खाना ले लिया है। तो थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, हल्की हल्की, टाइम से घर चला जाता हूँ, तो फिर फंस जाऊंगा उस दिन की तरह। गाइस बारिश धीरे धीरे तेज हो रही है। तो गाइस जाने से पहले केले दिख गए थे, केले ले लिए मैंने, और बारिश इतनी ज्यादा तेज हो चुकी है। तो गाइस मैं चाहता था ना भीगू, लेकिन फिर भी भीग ही गया। एकदम से बारिश इतनी तेज आ गई ना, तो लेने तो मुझे और भी फ्रूट्स थे, लेकिन फटाफट केले दिखे, केले लेके फटाफट आ गया मैं, क्योंकि नूरा ना केले खाती है। तो नूरा के लिए खाना भी ले आया, केला भी ले आया, दही भी पड़ी है, सब कुछ पड़ा। अब चाहे बारिश आए कुछ आए, इसका घर पे सब सामान पड़ा है ना। नूरी पजामा खरीदना खाना है मेरा। तो गाइस आज भी मैंने बिल्कुल व्लॉग नहीं बनाया, तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि आज लास्ट व्लॉग में मैंने काफी सारे कमेंट्स रीड किए, तो उसको भी सब कह रहे हैं कि ये भी प्रैंक है, ये भी प्रैंक है, मतलब काफी गंदे गंदे कमेंट्स आ रहे हैं इस पे कि तुम बच्चा गिरवाने गए हो, ये है वो है। तो बस ऐसे कमेंट्स पड़ गए ना गाइस, मन ही नहीं करता कि व्लॉग करें। तो आज का व्लॉग क्यों नहीं बनाया, क्योंकि आज भी सारे दिन मैं हॉस्पिटल में था, उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, उसे एडमिट किया हुआ है। अभी मैं जस्ट घर आया हूँ, रात के 2 बज चुके हैं, ना मैंने व्लॉग किया, ना कुछ खाया ना पिया, उसकी तबीयत काफी खराब है, 102-103 फीवर हो रखा है। तो बस इसी वजह से पूरा व्लॉग नहीं बनाया। व्लॉग बनाता फिर कुछ लोग है जो बोलते हैं कि आप ड्रामा कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, आप वो कर रहे हो, उसकी तबीयत सच में काफी खराब है, तो शायद क्या पता मैं व्लॉग ना भी करूँ 1-2 दिन और। तो बस इसी वजह से मैंने आज का व्लॉग नहीं किया, सिर्फ कुछ कमेंट्स को लेके, काफी गंदे कमेंट्स थे कुछ, तो क्या बच्चा गिरवाने गए हो, ये है वो है। तो बस मूड ही नहीं किया गाइस कि व्लॉग करें, उसको वोमिटिंग हो रही है, फीवर हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, सांस नहीं आ रही ढंग से, तो काफी प्रॉब्लम हो रखी है। तो जब से उसके घर से फोन आया था, बस तब से काफी स्ट्रेस्ड है वो भी, मैं भी, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। अभी पता नहीं मम्मी और भी कब आएंगे, एक तो अकेले हैं, बिल्कुल भी कुछ भी करने का मन नहीं करता है। ऊपर से कुछ लोग जो ऐसे ऐसे कमेंट्स करते हैं, तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं मन करता कि कुछ करें। अगर प्रैंक होता ना गाइस, तो मैं लास्ट में बोल देता प्रैंक है, और फिलहाल तो अब तो मैंने आप लोगों के कहने से ऐसे प्रैंक तो बंद ही कर रखे हैं, और करूंगा भी कुछ अच्छा प्रैंक करूंगा, कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में, दो चार। अब डेली प्रैंक तो मैंने फिलहाल बंद ही कर रखे हैं, और होता भी तो मैं फिलहाल बोल ही देता। तो ऐसा कुछ नहीं है गाइस, बस दुआ कीजिए वो जल्दी ठीक हो जाए। तो बस यही है, अब वो ठीक नहीं होती अच्छे से जब तक मैं 1-2 दिन व्लॉग नहीं करूंगा, ठीक हो जाए, घर आ जाए। उससे भी कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि एक्टिंग कर रहे हो, भाई एक्टिंग थोड़ी ना होती है यार, एक्टिंग होती है तो मैं बता ही देता हूँ कि एक्टिंग है, लास्ट में तो मैं बोल ही देता हूँ, चाहे कैसे भी प्रैंक कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ बुरा कर रहा हूँ, लास्ट में मैं बोल ही देता हूँ। तो ऐसी कोई बात नहीं है, बस जल्दी से जल्दी वो ठीक हो जाए, दुआ कीजिए मैं वापस से व्लॉग स्टार्ट करूँ अपना। बस यही वजह थी कि मैं व्लॉग नहीं कर रहा हूँ। और कुछ कमेंट्स ये भी आ रखे थे कि अभी तक वो अपने घर नहीं गई है, वो कह रही थी कि घर जाएंगी, ये है वो है। तो मैंने बताया था कि कल जाएगी या 2-4 दिन बाद, जब भी जाने का बनेगा सीन तब जाएगी। तो उसके अगले दिन तो वो बीमारी हो गई, कहाँ से घर जाएगी। तो गाइस पूरी जानकारी ले लिया करो कि मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला, बिना सोचे समझे कुछ भी कमेंट कर देते हैं कुछ चुनिंदा लोग। तो उन लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, थोड़ी सी सोच चेंज कर लो। हर बार ये नहीं होता कि मैं गलत कर रहा हूँ, जो हो गया सो हो गया, ठीक है हमने प्रैंक किया, मैंने उसके लिए बोल दिया कि, तो उसके लिए मैं बोल चुका हूँ कि आइंदा से हम ऐसा प्रैंक नहीं करेंगे। फिर भी कुछ लोग मतलब समझ नहीं आती है, बोल रहे हैं घर नहीं गई, घर नहीं गई, भाई बीमार है यार, घर कैसे चली जाएगी वो, ये बताओ ना, एडमिट है, कल भी थी आज भी है, पूरे दिन से आज, तो अब ऊपर से मैं अकेला हूँ, इसलिए बस व्लॉग मैंने बिल्कुल नहीं किया। घर पे सब आ जाए, सब ठीक हो जाए, देखता हूँ फिर ही व्लॉग स्टार्ट करूंगा। बाकी कल देखते हैं अलीशा क्या कहती है कि व्लॉग करना है नहीं करना, क्योंकि उसे मैंने कुछ नहीं बताया कि मैं व्लॉग कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, तो वही बस बोलती है कि कर व्लॉग कर, व्लॉग क्यों छोड़ता है, व्लॉग क्यों छोड़ता है। तो बस ऐसी सिचुएशन हो जाती है ना, तो मेरा मन नहीं करता कि व्लॉग करूँ। तो गाइस बस ये एक इन्फॉर्मेशन वीडियो है और कुछ नहीं है, देखता हूँ 1-2 दिन कितने दिन का गैप लेता हूँ, जल्दी से जल्दी वो ठीक हो जाए, जल्दी से जल्दी हम व्लॉग करें वापस से, अच्छी अच्छी वीडियोज आपके सामने लेके आए। तो बस आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस, और दुआ करना वो जल्दी से ठीक हो जाए। लव यू गाइस, ध्यान रखें अपना। तो आप सब भी अपना ध्यान रखें, काफी वायरल फैल रहा है, बीमारियां फैल रही हैं, डेंगू है, ये है वो है, काफी चीजें हो रही हैं। तो सब लोग अपना ध्यान रखें, सेफ रहें, और बस अब से है ना, जैसे ही हॉस्पिटल से आएगी वो, सब खाना वाना बाहर का सब बंद है। वैसे तो फिलहाल इतने दिन से खा नहीं रहे थे, लेकिन कुछ ना कुछ छोटा मोटा हो ही जाता था। नूरा क्या हो गया? नूरा, तो बस डॉक्टर कह रहे हैं हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है इतनी। तो ब्लड टेस्ट भी हुआ आज, अब कल तक उसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी, तो पता लग जाएगा डेंगू है क्या है नहीं है, बस कुछ ऐसा वैसा ना हो, नॉर्मल वायरल हो, ज्यादा कुछ ना हो, ठीक हो जाए 1-2 दिन में। तो बस जल्दी आपसे मिलते हैं, बस ध्यान रखें, लव यू ऑल।